पांगरी गांव की एक ऐसी शिक्षक की स्थिति की कहानी है। वहां पे पांचवी तक की स्कूल है और दो वर्ष से एक ही टीचर है। ये शब्दों में लिखा है, इसको हम अंकों में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? अंकों में। मैं विगत दो वर्षों से यहाँ पदस्थ हूँ और स्कूल के बारे में क्या बताऊँ। मैं अभी अकेला ही कक्षा एक से पाँच तक संभाल रहा हूँ, इसलिए परेशानी होती है मेरे को बच्चों को पढ़ाने में। अगर एक क्लास को पढ़ाऊंगा तो चार क्लास रुक जाते हैं। अगर किसी क्लास को काम भी दे देता हूँ तो बच्चे लोग चिल्लाते हैं, तो मेरे अगले क्लास में पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी नाम नीलिमा है, कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। हमारे गांव पांगरी में एक ही गुरुजी है। स्कूल भी संभालता हूँ और बाहर ड्यूटी भी लगा देते हैं। कई बार क्या है, लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा में दो तीन दिन के लिए लग जाता है ड्यूटी। अभी 2011 का जनगणना किया हूँ, उसमें करीब 1.5 माह तक किया हूँ, तो इसमें बच्चों को पढ़ाने में भी परेशानी होती है। ग्राम पांगरी में एक ही गुरुजी है, पढ़ने लिखने बहुत परेशानी होता है। सरकार पूरे दुनिया में शिक्षक के महत्व के लिए लाखों करोड़ रुपए बहा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी अंचलों में स्कूल में एक टीचर की सही व्यवस्था नहीं है। शिक्षा विभाग में भी किए हैं, ग्राम स्वराज में भी किए थे और जिला में भी दिए थे। इसका कोई अभी सुनाई नहीं हुआ है शिक्षक का। बड़े लोगों की बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और सरकार अभी तक वहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं भान साहू, इंडिया अलहन के लिए।